जय जोहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के खबर छत्तीसा मा। मैं हूँ आप मन संग जयंती खुटे और आप मन देखा था न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। खबर मांगू बढ़वो। धमतरी मा वायुसेना भर्ती रैली के रिकॉर्ड सफल। आयोजन ले गदगद धमतरी कलेक्टर रजत बंसल प्रेस वार्ता लेके सबला धन्यवाद ज्ञापित करीस और अब धमतरी जिला ला टूरिज्म हब के रूप में विकसित करे बर नगरी के वनांचल क्षेत्र जबर्रा गांव ला इको टूरिज्म गंगरेल बांध माडम सिल्ली बांध सोंढूर बांध नरहरा धामला डेवलप करे के बात कहीस और अलग अलग विषय ला लेके जिला के जम्मो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार मन ले विचार और सुझाव लीस जेमा जिला के पत्रकार मन अपन अपन विचार और सुझाव रखिन। धमतरी कलेक्टर हा मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुआ घुरुआ और बारी के सफल क्रियान्वयन के संगे संग और कई जन कल्याणकारी योजना ला अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे पहुँचाना है एमा बात करीस और जिला वाला मन ला दिवाली तिहार के शुभकामना देके ए दरी कुम्हार ला प्रोत्साहित करत हमर पारंपरिक दिया और लाइट ला बढ़ावा दे के बात कहिस। माननीय मुख्यमंत्री के जैसे निर्देश प्राप्त थे सभी कलेक्टर्स को कि किसी भी रूप में दिवाली के अवसर पर जो गांव से देहात से जो छोटे छोटे ग्राम उद्योग के माध्यम से जो दीप बनाते हैं और अन्य वस्तु बनाते हैं खिलौने बनाते हैं बच्चों के लिए उनको किसी भी रूप से परेशान ना किया जाए नगर निगम या पुलिस हमले द्वारा और उसको हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा के नगर निगम एरिया में कम से कम 4 या 5 अलग अलग जगह चुनी है जहाँ पर इस तरह के मार्केट्स हम विकसित करेंगे और लोगों को आइडेंटिफाई करके जगह देंगे और साथ में ही इस मैसेज को लोगों को देने के कि चाइनीज़ लाइट खरीदने के बजाय या फिर विदेशी बल्ब खरीदने के बजाय जो एक हमारी परंपरा है हमारे धर्म में और उसमें कि दीपों का यूज़ किया जाए उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं और उसी तारतम्य में नगर निगम ने आज दीप भी बांटे हैं आमजनों को। आने वाले समय में गोबर से भी कुछ जगहों पे अभी दीप बनाए जा रहे हैं उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे और लोगों में जागरूकता। सभी धमतरी जिले के पत्रकारों के साथ एक चर्चा रखी थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो 2 अक्टूबर को जो योजनाएं लॉन्च हुई थी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान मुख्यमंत्री शहरी स्लम में हाट बाज़ार उसमें कैंप स्वास्थ्य कैंप का योजना साथ में हाट बाज़ार में स्वास्थ्य कैंप की योजना ये सभी योजनाओं के बारे में हमने जानकारी दी और साथ में जो अलग अलग टूरिज़्म को लेकर के प्रमोशन के जो काम जिले में चल रहे हैं उसको लेकर के भी चर्चा हुई जिसमें बहुत अच्छे सुझाव मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हमको प्राप्त हुए हैं जिसमें लगातार जिला प्रशासन अभी कार्रवाई करके धमतरी जिले को छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बनाएगा। जी धनहा धमतरी जो हमने नाम दिया है इस पूरे अभियान को कि धमतरी एक संपन्न जिले के रूप में विकसित हुआ है और इस और धान की क्योंकि यहाँ पर अपने आप में एक धान का कटोरा है छत्तीसगढ़ के परिवेश में तो धनहा धमतरी के लोगों में हम लोग इसकी पूरी ब्रांडिंग करके इसको एक टूरिज्म हब के रूप में